नमस्कार दोस्तों, स्वागत मेरे चैनल पर। आज 29 जनवरी, ठीक है। आज जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में मैं भी शामिल था, तो आज आपको सटीक रिव्यू यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। सटीक रिव्यू आप लोग देखिएगा यहाँ पे। अभी तक क्या हुआ था कि जो क्वेश्चंस आते थे तो वो मैं स्टूडेंट से पूछता था, लेवल क्या था, कंसेप्ट क्या था, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते थे, उनसे पूछ के मैं आप लोगों तक बात को पहुंचाता था। आज खुद जब एग्जाम देके आया हूं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं और काफी स्टूडेंट के कमेंट्स भी आए थे कि सर आप कंटिन्यू वीडियो डाल नहीं रहे हैं, तो इसका कारण यही था कि 23 के बाद मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था 3-4 दिन के लिए, क्योंकि मेरा स्वयं का एग्जाम था, ठीक है। अब देखते हैं रियलिटी क्या एग्जाम में पूछी जा रही है, अभी तक जो हुआ कैसा हुआ, इजी हुआ कैसा हुआ, आज क्या हुआ था उसका हम देखेंगे। और ये सेकंड जो आपका फेस का, ये सेकंड लास्ट डे था, कल आपका लास्ट डे है, उसके बाद थर्ड फेस आपका 31 जनवरी से स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, मैथ की बात करेंगे, फिर यहां पर हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है, रीजनिंग की बात करेंगे, फिर आपकी हम बात करेंगे जीके की, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स का। अब वीडियो देखने से पहले कुछ स्टूडेंट के दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि सर आपके अटेम्प्ट कितने हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट देखिए, अटेम्प्ट के बाद ही आपको हम बताएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट के बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले आप देखिए क्या है इसमें। तो अटेम्प्ट के पीछे अब आप ना भागे वही अच्छा है, ठीक है। स्टार्टिंग का था बात अलग है, अब आप लेवल कहेंगे तो लेवल आपका जैसा पहला था वैसा अभी भी है, ठीक है। हम ज्यादा बात नहीं, अभी आपसे मैं बोल दूं लेवल ज्यादा हाई हो गया है तो आप एग्जाम में जाके आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे और हो सकता है आप कम अटेम्प्ट करें। इसको आप छोड़िए, अटेम्प्ट के बारे में हम बात ना करें वही अच्छा है, और मेरे लिए ये सही भी है कि अटेम्प्ट आपको ना बताएं, ठीक है, बता भी देंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो लगभग ये क्वेश्चन ज्यादा थे मेरे हिसाब से, 25 to 30 क्वेश्चन होंगे। खैर जो भी क्वेश्चन थे, अगर 30 थे तो मेरे 29 सही हुए, और 25 थे तो 20, मतलब कहने का मतलब ये कि मैथ का सिर्फ एक क्वेश्चन ही मुझसे डिस्टर्ब हुआ, वो भी कैसे हुआ वो भी आपको हम बाद में बताएंगे। मतलब इसमें मेरा एक क्वेश्चन सही नहीं हो पाया, उसका कारण क्या था कि जब ये इसकी, ये आप लोग भी जरा इसको देखिएगा, ये कंप्यूटर स्क्रीन थी ना, यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर क्वेश्चन था और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन थे, और यहाँ पर आपका होता है सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर होता है सेव एंड नेक्स्ट। जब मैंने इस पर क्लिक किया और मैं मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो जब मैंने सेव पर क्लिक किया तो ये सेव नहीं हुआ, पता नहीं प्रोसेस इसकी थोड़ी डाउन थी, तो मैंने इसको डबल टाइम्स क्लिक में मेरे पास हो गया, पता नहीं यहाँ पर या यहाँ पर हुआ था क्लिक, तो 2 क्वेश्चन में आगे हो गया, और वहीं से एक मैथ का क्वेश्चन बीच में इसमें था जो छूट चुका था, ठीक है। तो मैं आगे चलता गया और अंत में पता नहीं वो क्वेश्चन मैंने देखा नहीं क्या हुआ, जब कंटिन्यू में जा रहा था तो वो क्वेश्चन मुझे बाद में दिखा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जब मुझे बाद में दिखा, जब तक टाइम जो है खत्म हो चुका था, तो ऐसा मेरा एक क्वेश्चन यहाँ से हट गया था। तो मैथ का हालांकि सब कुछ ठीक था, और मैथ में एक दो क्वेश्चन थोड़े लेवल के थे, लेवल क्या कह सकते, मॉडरेट कह सकते, ठीक है, वरना सब ठीक था मैथ का। मैथ में क्वेश्चन कौन कौन से आए थे तो देखिए, अभी तो मैं बहुत टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ, तो हो सकता है ये मैं कल क्वेश्चन लेकर आऊँ, या जो भी क्वेश्चन मुझे याद है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, इसमें मैं डालूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा आपका लंबा हो जाएगा, इसमें मैं नहीं रखूंगा, एक भी क्वेश्चन मैं इसमें नहीं रखूंगा, ठीक है। तो मैथ का काफी ठीक था आपके, समथिंग 1 से 2 सिंप्लीफिकेशन थे आपके, ठीक है, रेन से आपके आई थिंक 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस या कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से आपके लगभग 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, इससे आपके 2 क्वेश्चन थे, और आपका लावानी से 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, और एलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन थे। डीआई तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल थी, डीआई हम आपसे कहेंगे, एक आपका था रक्षा, और एक आपका था निर्माण, और एक आपका था सेवा, इस टाइप से आपके थे, और डीआई आपकी इस टाइप से आई थी आपकी, ठीक है, बार ग्राफ ये थोड़ी इसी टाइप से थी शायद, ठीक है। तो इसमें आपको इयर्स दिए गए थे, ठीक है, ईयर दिए गए थे, उस टाइप पे आपकी बेस्ट थी, मतलब आसान नहीं थी, हम कह सकते हैं डाटा भी इतना ज्यादा था, पॉइंट में डाटा था तो आपको ऐड करना पड़ रहा था,
डाटा भी आपका पॉइंट में था, तो इसको मॉडरेट टू हाई लेवल का कहेंगे। डीआई आसान नहीं थी, जैसे आपकी पाई चार्ट या टेबुलर बेस आ रही थी वैसी नहीं आई, तो इसको हम मॉडरेट ही कहेंगे आपका, ठीक है। चलिए ये तो आपका हो गया मैथमेटिक्स का। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैं कहूंगा आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट टू हम हाई लेवल बोलेंगे, ठीक है। जो एग्जाम देके आया वही इस चीज को समझ सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन। एक तो आपका क्या था कि 7 लोग बैठे थे, 7 लोग एक सर्कल में बैठे हुए थे जो कि इनर आउटर फेस थे, इनर आउटर फेस जो कि आपका अधिकतर बैंक एग्जाम में आता है, बैंक एग्जाम के आपके पीओ में आपका आता है, प्री एग्जाम में, प्री में पीओ में कह सकते हैं, आपका क्लर्क बेस में भी आपका ये आता है। अब समझिए बैंक के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो तो बैंक रिलेटेड थे, और इतना लंबा ये क्वेश्चन था आपका, 7 लोग बैठे थे कि 3 से 4 आपका लाइन में क्वेश्चन बन रहा था और इससे रिलेटेड मात्र एक क्वेश्चन था, तो जो बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आसान था, ठीक है। और अगर जो नहीं कर रहे तो उसको छोड़ देना ही सबसे बेहतर था उसके लिए। अब मेरी बात करूं तो मैंने इसमें पूरे 30 के 30 अटेम्प्ट किए, ठीक है, और सही भी है सारे, तो यहां से लगभग 1 मार्क्स जैसे भी मिस्टेक हुआ, रीजनिंग काफी मैं अपनी बात क्यों करूं स्टूडेंट को ठीक लगी होगी। तो 3 से 4 क्वेश्चन को नहीं आ सकते मैं मानता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े थे, ये लेवल के थे, ठीक है। चलिए और देखिए जो ये इस टाइप से जो क्वेश्चन आया है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी करवा देंगे, क्योंकि हो सकता है इससे और क्वेश्चन बने, लेकिन अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की तो इसको ना छुए तो ये अच्छा है, क्योंकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो आपका था रीजनिंग का पार्ट, रीजनिंग भी काफी आसान थी, जो क्वेश्चन आसान थे वो बिल्कुल आसान थे। अब जरा मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ, जिनका एग्जाम है आगे फेस में, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपके ये होते ना अल्फाबेट ए बी सी डी इस टाइप से, ठीक है, इसको आप एक बार एम तक लिखिए, ए टू एम, उसके जस्ट नीचे आप एन ओ पी आप इसका उल्टा लिखिए, उल्टे से क्वेश्चन काफी ज्यादा बन रहे हैं अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड, बी का अपोजिट वाई होता है, इस टाइप से आपके बनेंगे। और इनकी जो नंबरिंग होती है वो आप याद कर लीजिए, या आप जब आप एग्जाम देंगे तो सीट मिलती है उसको कुछ समय पहले आप लिख लीजिए, हालांकि अलाउ नहीं होता है, जब 1-2 मिनट बचे तो आप जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, इससे काफी आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 100% आपसे 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे और आपका टाइम सेव हो जाएगा, और एंड टाइम पे अगर आप लिखेंगे एग्जाम के समय में तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो रीजनिंग की बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं जीके की, तो जीके का मुझे पता नहीं, मैथ रीजनिंग मेरा पूरा पूरा सही गया, हालांकि एक क्वेश्चन डाउट है जो भी कुछ हो, और जीके का आई थिंक मैंने शायद मैंने 13 से 14 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, जीके के 13 से 14 जो मुझे आए थे बिल्कुल करेक्ट वही मैंने किए हैं, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि मुझे उसमें डाउट था, ठीक है। तो जीके का मुझे पता नहीं, जो भी था जो हो गया, और मैथ रीजनिंग का तो ये था, ठीक है। ये पोर्शन आपका ऐसा है जो स्कोरिंग मार्क्स है आपका, क्योंकि जीके का पता नहीं, जीके का पता नहीं कौन से कहां से पूछे, एक कुछ 2015 का क्वेश्चन था शायद, ठीक है, कुछ योजना से संबंधित था ये आपका, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके, अलग अलग चैनल्स पर आते भी होते हैं, आप वहां पर जाके आप इसको देख भी सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अटेम्प्ट की बात करें, हाँ जरा अटेम्प्ट भी देख लीजिए, वरना आप लोग कमेंट में पूछते रहेंगे तो मुझे बताना भी जरूरी है। तो मेरे 73 अटेम्प्ट हुए, ठीक है, जो भी है क्लियर है, 73 हुए, 73 73, ठीक, जो कि आपका यहां से आपका बना था 29 बना था ना, ये आपका यहां से 29, अगर ये 30 30 है ना तो 29 और 30 तो ये आपका हो गया 59 में आपका 14 क्वेश्चन मैंने जीके से किए थे, तो ये मेरा हो गया 73, ठीक है। मैंने ज्यादा तुक्के नहीं लगाए, मैं हो सकता हूं ज्यादा मुझे याद है मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाया जो मुझे नहीं आता, फिर भी मैंने लगा दिया, तो ये मेरा है डायरेक्ट जो भी कुछ हो, और फिर जल्दबाजी में या मिस्टेक एक तो होती रहती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग देखिएगा, आप ये मत समझिए अरे सर के इतने हो पाए 73, सर हो के इतने हो पाए, अरे मेरा छोड़िए आप, जीके किसी किसी का बहुत अच्छा होता है, मैंने 14 की है, हो सकता है आप उसमें जो है 24 कर दें या 34 कर दें, उसमें दिक्कत क्या है, आपके 80 प्लस हो जाएंगे, 85 प्लस हो जाएंगे, तो आप मेरे देख के ना चलिए, ठीक है, आपकी शिफ्ट कैसी आ रही है, हार्ड आ रही है कैसी आ रही है उसको देख के चलिए। दूसरी चीज आप लोग फिर से समझिएगा, आप होपलेस ना होइए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, और ना मेरे अटेम्प्ट पर आप लोग जाइए, ठीक है,
सबका अपना अलग अलग फंदा होता है। मैंने सोच रखा था कोई भी एक तुक्का नहीं लगाना है मुझे, ठीक है, एक भी तुक्का नहीं लगाना है, जहां तक कोशिश हो एक भी तुक्का ना लगाइए आप, ठीक है। अगर आपके 60+ हो रहे हैं तो आप एक भी तुक्का ना लगाइए। 60 आपके हो रहे हैं तो क्या हुआ, हो सकता है आपका पेपर हार्ड हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अगर मैंने 73 किए हैं, मेरा थोड़ा लेवल था और पहले के 80 थे, थोड़ा लेवल ठीक होगा, तो ये बराबर मानिए आप लोग, ठीक है। इजी लेवल उन्होंने 85 किए, आपका मॉडरेट लेवल, ठीक है, आपने 75 किए, आपका हार्ड लेवल या हाई लेवल है आपका, तो आपने 65 किए, सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो ये आपका था, कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है अभी बताना पड़ेगा वरना आप लोग नाराज भी हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, इसमें मैंने क्वेश्चन को नहीं रखा है, इसको वीडियो अलग से देखिए, कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए मैं, जो भी क्वेश्चन मेरे पास है, हालांकि मुझे नींद बहुत तेज आ रही है, ठीक है, क्योंकि ठीक से सो नहीं पाया था, और चलिए जो भी है, तो जो भी क्वेश्चन मेरे पास है मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वेट करिएगा आप लोग, ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।